दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस, योगेंद्र साहू क्लासेस। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था ज्योग्राफी, तो ये जो CSEB क्रैश कोर्स वाला अटेंड कर रहे हैं, या तो बैठ के सुन लेना, अगर लिखने का मन होगा तो लिख लेना, ठीक है। मैं प्रेशर नहीं दूंगा कि आप याद करो और मेरे को बताओ तुरंत या जो पूछता हूँ, ठीक है। लेकिन लास्ट में अगर समय बचा तो इंडियन GS का भी एक ओवरव्यू दूंगा, ताकि अगर पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में तो सबसे छूटे ना, ठीक है। कई लोग ऐसे ऐसे फिर छत्तीसगढ़ GS ही पढ़ के जाएंगे, इतना टाइम शुरू है ना, छत्तीसगढ़ GS ही पढ़ के जाएंगे, बट हम लोग अगर टाइम मिला तो उसको भी कवर करेंगे। ज्योग्राफी में हेडिंग डालिए, हिमालय श्रेणी। हाँ, या नॉर्मली हिमालय लिख लो, क्या हो 19 तारीख है। ये पर्वत पठार नदी ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर एरियाज बोल सकते हैं, इसको कोर एरियाज रहते हैं ज्योग्राफी के। कुछ और करो मत करो, ये ज़रूर करना। तो उसमें से रिवर्स मैंने बता दिए, पूरा सिंधु घाटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र अच्छे से बताया, ठीक है। उससे रिलेटेड उसके नदी के तट पर कौन से शहर बसे वो भी याद करा दिया, किसको भौगोलिक क्या उपनाम दिया जाता है ना, ज्योग्राफिकली क्या निकनेम है उनका, वो बता दिया। अब हिमालय श्रेणी, अब इधर पहले ध्यान देना, उसके बाद लिखना। इसको भारत मानना, ठीक है, पर ज्योग्राफी हिमालय जो है चार श्रेणियों में बांटा जाता है, ठीक है। हिमालय को हिमालय के अंतर्गत या हम चार भागों में पढ़ते हैं। पहला होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। पहला क्या बोल रहा हूँ, ट्रांस हिमालय, इसको हिंदी में बोलते हैं पार हिमालय, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी कभी कभी ट्रांस ही दे दिया रहता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, ठीक। लेकिन ये हिमालय के अंतर्गत नहीं आता, हिमालय के अंतर्गत पढ़ते जरूर हैं, हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। सपोज़ ये वाला एरिया आपका उत्तर व सुंदरनगर है, जस्ट उसके बाद उसको विट्ठलपुरम अगर बोले जाते हैं, तो अगर विट्ठलपुरम को मैं दूसरे नाम से डिनोट करना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ, वसुंधरानगर के उस पार जो इलाका है, ठीक। इसी प्रकार जो ट्रांस हिमालय है उसका नाम ही ट्रांस हिमालय कैसे पड़ गया, कि हिमालय के उस पार है, ट्रांस मतलब पार हिमालय उस पार, ठीक है। तब ये हिमालय कहाँ पे है, हिमालय यहाँ पे तीन श्रेणियों में अलग अलग बटे हैं, एक, दो और तीन, ठीक है, एक, दो, तीन। अब ये जो हिमालय पढ़ते हैं वो तीन श्रेणियों में क्या क्या बटा हुआ है, ऊपर वाले को बोलते हैं वृहद, बीच वाले को लघु, नीचे वाले को शिवालिक हिमालय। क्या बोल रहा हूँ, हिमालय के अंतर्गत हम चार उसको भाग में बांटकर पढ़ते हैं, चार भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय के पार जो हिमालय है ट्रांस, और ये खुद तीन श्रेणियों में बटे हुए हैं ना, ये तीनों श्रेणियों को मिला के हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, तीन श्रेणियाँ कंबाइंड मिलकर ट्रांस हिमालय होते हैं। फिर नीचे ये वृहद हिमालय, नेक्स्ट लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। वृहद मतलब ऊपर, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं,
ग्रेटर हिमालयस, लघु लेसर हिमालयस, ठीक है, और लास्ट शिवालिक को शिवालिक ही बोलते हैं, शिवालिक हिमालय, ग्रेटर लेसर शिवालिक, ठीक है, बृहद लघु शिवालिक। इस लघु को कभी कभी मध्य भी बोल दिया जाता है, ठीक है, इतना समझ आए। अब ये जो तीन श्रेणी है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भी, ट्रांस हिमालय तीन अलग अलग श्रेणी में बटा हुआ है, ठीक है, मतलब ये श्रेणी क्या होता है, ऐसे लाइन से जो पहाड़ देखोगे ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पहाड़, इसको श्रेणी बोलते हैं, पहाड़ों की श्रेणी ये सीरीज कहलाता है। इसको याद रखना कलेजा से, KLJ कलेजा, वहाँ जम्मू कश्मीर में आमतौर पर टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, वहाँ तैनात होने के लिए कलेजा चाहिए, ऐसे रिलेट कर सकते हो, तो ऊपर क्या है कलेजा है, तो क से काराकोरम याद रख सकते हो क्या, काराकोरम, एल से लद्दाख, जे से जास्कर, जमाइका, जास्कर, ठीक है, काराकोरम लद्दाख जास्कर, ठीक है। इसको निमोनिक कोड बोला जाता है, मैं पहले ही बता चुका, 20 अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये जो ब्रेन है ना उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जा सकते हो अगर वो 20 टेक्निक आप फॉलो किए याद करने का, ठीक है, 20 अलग अलग टेक्निक है, उसमें से एक टेक्निक ये है निमोनिक कोड बोला जाता है, किसी और एक क्लास में बताया था, क्या करना है, पहला जो कुछ भी एक वर्ड मिला हिंदी या फिर इंग्लिश, उसके पहला अल्फ़ाबेट को निकाल दिए, उससे कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिए, KLJ, अगर मैं सिर्फ KLJ बताता ना तो शायद याद नहीं होता, उसको कलेजा कर दिया, ठीक है, तो कलेजा से KLJ अब याद रहेगा, ठीक, इसको निमोनिक कोड बोला जाता है, तो 20 में से एक ये तरीका याद करने का, ठीक है, तो कलेजा, के से मैंने क्या बोला काराकोरम, एल से लद्दाख, और जे से जास्कर, उसके बाद बृहद लघु शिवालिक, इसी को ही इंग्लिश में तो बृहद को ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है ना, या आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय, बृहद बाह्य, क्यों बाह्य, ये बाहर की तरफ है, ठीक है, ये बाहर, ठीक है, तो आउटर हिमालय भी बोल जाता है, इसको इनर हिमालय, ठीक, तो अब हेडिंग डाले हिमालय नेक्स्ट है ना, पहला डालना हेडिंग ट्रांस हिमालय, उसके सब हेडिंग ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिंदी में भी ट्रांस हिमालय लिखना और ब्रैकेट में पार हिमालय भी लिख लेना, कभी कभार वो पार हिमालय ना देकर ट्रांस हिमालय ही दे देता है, पार हिमालय, ठीक, और ये छोटा सा ये कश्मीर बना के ऊपर जम्मू कश्मीर बना के तीन लकीर डाल देना, डायग्राम बना लो, ये वाला हिस्सा पूरा बना लेना, ठीक है, हिस्सा बना लेना, ये डायग्राम, ये तीन लकीर, इसको कॉमन करके ट्रांस हिमालय, फिर जो भी हिंदी इंग्लिश मीडियम होंगे तो बृहद लघु शिवालिक, बृहद लघु शिवालिक, बृहद लघु शिवालिक, बृहद लघु शिवालिक, अब KLJ लिख लेना ना, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही KLJ, ये तीन श्रेणी में बटा है, KL और J, के फॉर काराकोरम लिखो, काराकोरम, एल फॉर लद्दाख, जे फॉर जास्कर, जास्कर श्रेणी, ठीक है, काराकोरम लद्दाख जास्कर,
लेसर हिमालय, ग्रेटर लेसर एंड देन शिवालिक, हुए। अब इसमें विशेषताएं याद रखने की, काराकोरम में कौन सी ऊंची चोटी है, क्या खास बात है उसमें, तो कैसे काराकोरम और कैसे ही केटू गॉडविन ऑप्शन याद रख सकते हो क्या, केटू, कैसे काराकोरम और कैसे केटू गॉडविन ऑस्टिन। तो नेक्स्ट लिखना के काराकोरम, और इसके अंतर्गत जो जो पॉइंट लिखा रहा हूँ उसको लिख लो, काराकोरम, कैसे काराकोरम और कैसे केटू गॉडविन ऑस्टिन, केटू गॉडविन ऑस्टिन बता रहा हूँ आगे लिखो, के काराकोरम केटू गॉडविन ऑस्टिन, के टू गॉडविन ऑस्टिन, इसको हिंदी में भी गॉडविन ऑस्टिन लिख सकते हो। के टू गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, ठीक है, पीक 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 पी ई ए के चोटी, के टू गॉडविन ऑस्टिन पीक है काराकोरम सोनी में। जैसे हिमालय कैसे ऐसे श्रेणी देखोगे, कुछ ऊपर ऐसे बने रहते हैं ना, तो सबसे ऊंची चोटी ये पूरा लाइन से जो पहाड़ देखते हो तो एक श्रेणी हो जाती है। हिमालय पर्वत किसी एक पर्टिकुलर पहाड़ का थोड़ी नाम है, वो तो पूरी श्रेणी का नाम है, ठीक है। उस श्रेणी में एक ऊंची चोटी के टू गॉडविन ऑस्टिन, जो किस में है, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है, काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट लिखना, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये काराकोरम श्रेणी, ठीक है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, मतलब काराकोरम से फिर थोड़ा सा छोटा पहाड़ देखने को मिलेगा लद्दाख में, और उससे छोटा पहाड़ देखने को मिलेगा जैसकर में, काराकोरम सबसे टॉप पे है, ऊपर और जितना आगे जाते जाओगे कश्मीर तरफ। अभी जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है, ऐसे तो भारत में है माना जाता है, लेकिन एक्चुअली भारत ना बोल के अगर मैं सही वर्ड दूँ तो वर्ड बोलूँ तो ये POK में, आप लोगों को मालूम होगा हम भारत ऐसे देखते हैं ना, इंडिया का मैप देखोगे तो इसी प्रकार का मिलेगा, लेकिन इसमें ये वाला हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करके रखा है, ये वाला हिस्सा चाइना, जिसको बोलते हैं अक्साई चीन, ठीक है, इसको POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वो अक्साई चीन, तो पाकिस्तान ने इतने हिस्से को कब्जा कर लिया, चाइना ने इतने हिस्से को कब्जा कर लिया, अब जो भारत है वो कुछ ऐसा है। तो हम लोग दर्शाते हैं कि अभी भी हमारा हिस्सा है, जब मन किया लड़के ले लेंगे, ठीक है। अभी तो वहाँ पे कब्जा हुआ है, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा रहता है, POK में भारत का झंडा नहीं देखोगे, वहाँ पाकिस्तान का झंडा रहता है, हाँ नहीं नहीं पाकिस्तान का केटू गॉडविन ऑस्टिन, तो केटू गॉडविन ऑस्टिन के बाजू में POK लिख लेना, याद रहेगा कि ये POK में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ग्लेशियर समझते हो, पहले जियोग्राफी क्लास में बता दिया, नॉर्मल पहाड़ पत्थर चट्टान वाला पहाड़, और वही अगर पहाड़ बर्फ़ वाली हो जाए तो ग्लेशियर, ठीक है, इतना ही सही मीनिंग है उसका, ग्लेशियर। तो काराकोरम श्रेणी में चार मुख्य ग्लेशियर है जो हमको याद रखने हैं, पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें कौन से काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, उसको कैसे याद रखोगे, कैसे काराकोरम श्रेणी, कलेजा मैंने बता दिया, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कलेजा है, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, और ज से जैसकर, KLJ हो गया, कैसे काराकोरम, कैसे केटू गॉडविन ऑस्टिन, और कैसे ही POK, मतलब वो PAK में आता है, ठीक है। एक इसमें और पॉइंट याद रखता है कि काराकोरम श्रेणी को किस नाम से जाना जाता था पूर्व में, तो कैसे काराकोरम, कैसे कृष्णागिरी बोल सकते हो क्या, कृष्णागिरी, सब के कैसे याद हो जाएगा, है ना, लिखो पूर्व नाम कृष्णागिरी, काराकोरम पूर्व नाम कृष्णागिरी। कृष्णागिरी काराकोरम श्रेणी को पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है, या पहले क्या अभी भी कृष्णागिरी के नाम से बोल दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, काराकोरम इज इक्वल टू कृष्णागिरी लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक।
अच्छा, मैं जो ग्लेशियर की बात बता रहा था उसको कैसे याद रखोगे, कैसे काराकोरम, कैसे कसाब याद रख सकते हो क्या? कसाब, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी वो कसाब देखे थे ना, लेकिन हाँ 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 मैप में पढ़े थे। अब ये कसाब का स्पेलिंग कैसे लिखोगे? KSHBB, ठीक है, याद रह जाएगा। सोचोगे कसाब जैसे स्पेलिंग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उतना रिलेट कर लिया वो भी काफ़ी है, कसाब, KSHBB। तो इससे क्या, पहले सुन लेना, कैसे काराक्रम आपको याद रह जाएगा कि काराक्रम श्रेणी में कौन कौन से बड़े ग्लेशियर देखते हैं। एस से सियाचिन, सियाचिन सुने होंगे, बॉर्डर है, बॉर्डर बोलता हूँ मतलब युद्ध स्थल है, ठीक है, सियाचिन, और ग्लेशियर का नाम भी है सियाचिन। एच से हिस्पर, बी से बियाफो, और फिर बी से बाल टोरा, ठीक है, बोला नहीं जो आपको बीमारी है, ठीक है, कसाब लिख लो, KSHBB। तो काराकोरम में चार पर्वत श्रेणी है जो कि ग्लेशियर्स हैं, मतलब चार ग्लेशियर्स हैं, चार पर्वत श्रेणी, चार ग्लेशियर्स, कैसे याद रखोगे? KSHBB, कोड लिख लेना, KSHBB। कैसे काराकोरम श्रेणी में है ये याद रह जाएगा आपको। एस से लिखना सियाचिन, फिर एच से लिखना हिस्पर, KSH हिस्पर। बी से बियाफो, बियाफो, स्पेलिंग पूछ रहे हो, BIYAFO, इंग्लिश की क्लास के लिए संपर्क करें नहीं तो इसी बियाफो। और बी से बाल्टोरा, हाँ टा टोरा, बाल्टोरा, बाल्टोरा, अब नदी वाले चैप्टर में जैसे मैंने बताया गंगा तो हम भारत में देखते हैं, लेकिन वही गंगा जब बांग्लादेश में बहती तो उसको गंगा नाम से नहीं जाना जाता, पद्मा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र तो असम में बोलते हैं या भारत में बोलते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश में जाके जमुना हो जाती है। तो वैसे हिमालय की भी अलग अलग श्रेणियाँ अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे भारत, ये काराकोरम आगर शनि, ये तिब्बत एरिया पड़ता है, ठीक है, तिब्बत चाइना का पार्ट है, तिब्बत बोल रहा हूँ समझ जाना, तिब्बत चाइना की। तो काराकोरम श्रेणी को भी वहाँ दूसरे नाम से जाना जाता है, काराकोरम नाम से नहीं जाना जाता। तो किस नाम से जाना जाता है? सब चीज़ के से, तो के से काराकोरम, के से कैलाश, कैलाश श्रेणी, ठीक है, तो लिख लो तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में कैलाश श्रेणी भी कहते हैं, कैलाश, कैलाश श्रेणी। हो सकता है शिव भगवान यही मिल जाए आपको, कैलाश श्रेणी। ठीक है, क्या बताया मैंने, हिमालय के अंतर्गत चार भागों में उसको विभाजित करके पढ़ते हैं हिमालय श्रेणी को। पहला ट्रांस हिमालय, जो कि खुद हिमालय का भाग नहीं है, बस उसके उस पार है ना, इसलिए एक्चुअली ठीक है लिखा दूंगा इसमें। एक धरती के अंदर देखोगे ना तो अलग अलग प्लेट्स हैं, बड़े बड़े प्लेट, वो थाली कटोरा वाला प्लेट नहीं, अच्छे बड़े बड़े प्लेट हैं जो टकरा टकरा के वो पत्थर का निर्माण कर दिए। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे रेती से, सब खेले हो गए, रेती को ऐसे इकट्ठा करते थे, तो इधर से इकट्ठा किए रेती, बीच में एक बालू जैसे बनता था ना, पहाड़ बनाता था ऐसा इकट्ठा कर करके, तो ऐसी प्लेट्स टकराए ना, प्लेट्स टकराए तो हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन हिमालय कौन सा हिमालय? जो ग्रेटर, लेसर और शिवालिक जो पढ़ रहे हैं, उस हिमालय का निर्माण हुआ। इस हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय बन चुका था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो श्रेणी वाली थी ना, इसलिए इसको हिमालय के कैटेगरी में न रख के हिमालय के पार वाले कैटेगरी में
रखा जाता है, ठीक है। तो उससे पहले बन गया था। फिलहाल कार्यक्रम में क्या देखें या पूरे हिमालय में क्या देखें, चार अलग अलग भागों में बांटा गया। एक ट्रांस हिमालय पढ़े, एक ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये चार भाग। जो ट्रांस हिमालय है वो खुद तीन श्रेणी में बटा हुआ है, कारोक्रम, लद्दाख, जास्कर, कलेजा करके याद किए, KLJ, कलेजा, कारोक्रम, लद्दाख और जास्कर। उसमें कारोक्रम के बारे में पहले पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े कारोक्रम में, कि कैसे कारोक्रम, कैसे कृष्णागिरी, पूर्व नाम इसका कैसे क्या कृष्णागिरी, कैसे कारोक्रम, कैसे केटू गॉडविन ऑस्टिन। तो जो गॉडविन ऑस्टिन चोटी है वो किस में, कारोक्रम में है, और कहाँ है, POK में है। भारत दिया जाएगा तो ऑप्शन भारत में लेना, लेकिन अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए जम्मू कश्मीर या POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कैसे कारोक्रम, कैसे कैलाश श्रेणी, और कैलाश श्रेणी कहाँ बोला जाता है, तिब्बत में। इसमें बड़े बड़े चार ग्लेशियर्स हैं जिनको हमको याद करना है, कैसे याद किए थे, कसाब, कैसे कारोक्रम, कैसे कसाब। तो कसाब की स्पेलिंग KSHBB, कैसे कारोक्रम श्रेणी में कौन कौन से ग्लेशियर, S सियाचिन, H हिस्पर, B बियाफो, B बाल्टोरा, के चार ग्लेशियर्स याद हो गए। और कैसे क्या देखें, कैलाश श्रेणी हो गया, ठीक है, इतना आपको इसमें याद रखना, ठीक। वो जो ट्रांस हिमालय लिखे हो ना, ट्रांस हिमालय के ब्रैकेट में लिखना है ये यूरेशिया प्लेट का भाग है, यूरेशिया, ट्रांस हिमालय में ब्रैकेट में लिख लेना यूरेशिया, यूरेशिया प्लेट का भाग है, पार्ट ऑफ अ यूरेशियन, यूरेशिया प्लेट या यूरेशियन प्लेट। अब काराकोरम हो गया, नेक्स्ट लिखो लद्दाख। लद्दाख इसमें लिखना, इसके अंदर पॉइंट लिखना, लद्दाख के अंदर काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। ए श्रेणी कहाँ मिलता है, काराकोरम के साउथ में, दक्षिण में, काराकोरम के साउथ में, दक्षिण में। काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी राकाकोशी है, राकाकोशी। बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ, लिख देता हूँ, ये है राका कोशी। क्या हो, राका कोशी, अब इसमें क्या बोला, ये पर्वत इस लद्दाख श्रेणी में राका कोशी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसमें खास बात यह है कि जैसे कोई पर्वत पहाड़ है, कोई पर्वत है, कोई चोटी है, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है क्या, इसको भी तो पर्वत बोलेंगे। तो जो राका कोशी है ठीक उसी प्रकार है, एकदम शार्प स्लोप है, तीव्र ढाल बोलते हैं इसको, तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो राका कोशी लिखना, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, तीव्र ढाल, तीव्र को यहाँ पे क्या बोलेंगे पता नहीं, शार्प बोल सकते हो, शार्प स्लोप। फिसल पट्टी देखे हो ना, बस फिसल पट्टी है समझ लो, तो वहाँ ऊपर क्या बोल रहे हो, वहाँ बैठ के फिसलोगे बेटा, पर्वत पहाड़ और कांटे वाटे भी रहते हैं ना कुछ नहीं बचेगा फिर, एकदम ऐसे स्लोप है, ठीक है। तो राघव कोशी है लेकिन लद्दाख श्रेणी में, इतना। अब जब नदी में पढ़ा रहा था तो ये काराकोरम लद्दाख, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो फिर बताता हूँ। सिंधु नदी
लद्दाख व जास्कर के बीच बहती है? सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के बीच बहती है। और श्योक नदी, श्योक आधा शाह योक, ठीक है, श्योक नदी, नहीं नहीं बता रहा, और श्योक नदी लद्दाख व काराकोरम के बीच बहती है। लिखे श्योक नदी, ऐसे नदी वाले में तो बताया था, एक आया था सिंधु नदी की सहायक नदी, वो बताया था ना उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी थी, सिंधु नदी वाला क्या था बताओ, भूल गए? हाँ श्योक, कैसे याद किए थे, कबूले कबूले याद किया था, किसके किसके, गोमल गोयल सरनेम, और कुर्रे कुर्रे से कुर्रम याद किए थे, गोयल से गोमल, शादी किए निकाह किए, कबूले कबूले काबुल, फिर शोक मनाए शोक, तो नदी सब उत्तर से आके मिलने वाली थी, उत्तर में दिख रही है। मैंने क्या बताया, शोक नदी एक जो सिंधु नदी वो लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर, और सिंधु नदी की उस टाइम भी पॉइंट बताया था कि दाहिने तट पर राइट हैंड साइड क्या बचा है, बसा हुआ है ले बसा हुआ है, ठीक है। और जो इस नदी की बात करें शोक नदी, वो बहती है काराकोरम लद्दाख के बीच, लद्दाख या काराकोरम के बीच, लिखे ये भी लिख लेना, लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर है और लद्दाख व जास्कर के बीच स्थित है, सिचुएटेड बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर, लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, और लद्दाख व जास्कर के बीच स्थित है। तो सिंधु लेह पूछ दिया जाता है किस किस दो श्रेणी के बीच बसा हुआ है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना जास्कर श्रेणी, जास्कर सीरीज, जास्कर श्रेणी, जस्साक जास्कर व लद्दाख के बीच लद्दाख का पठार है, प्लेटू ऑफ लद्दाख, जास्कर व लद्दाख के बीच लद्दाख का पठार है, जास्कर व लद्दाख के बीच लद्दाख का पठार है, उसको नाम लद्दाख का पठार दिया गया है। उत्तर पर्वतीय जैसे दो राज्यों के मध्य व्यापार हो तो इंटर स्टेट सेल्स बोलते क्या, इंटर स्टेट सेल्स सुने हो, अंतर राज्य व्यापार इंटर स्टेट्स, ठीक है, इंटर स्टेट सेल हो गया, तो वैसे कोई दो चीज़ों के बीच रहे तो उसको इंटर नाम दे दिया जाता है। तो जो लद्दाख का पठार मैंने बोला क्या जास्कर और लद्दाख के बीच, लद्दाख या जास्कर के बीच हुआ, तो लद्दाख जो पठार है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो अंतर पर्वतीय पठार बोलते हैं, शायद इंटर माउंटेनियस है उसका, एक बार एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देख लूँगा, अंतर लिखो लद्दाख के पठार को, लद्दाख का पठार एक अंतर पर्वतीय पठार है, पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है।
नेक्स्ट स्टार मार्क डाल के लिखना नेक्स्ट। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल, मरुस्थल डेजर्ट, शीत 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 ठंडा वाला, जैसे रेगिस्तान होता है तो वैसे ये शीत मरुस्थल, मतलब आसपास कोई जीव आपको नहीं, शीत मरुस्थल ये वाला शीत। शीत मरुस्थल ठीक है, क्या डेजर्ट लिखे उसको इंग्लिश में, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लेह में सबसे कम वर्षा होती है 5 सेंटीमीटर, लेह में सबसे कम वर्षा होती है 5 सेंटीमीटर होता है ना, ब्रैकेट में 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इतना देख लो तो एक बार रीड मारो, 2 मिनट में झलक। लेह में, लेह वाले एरिया में, लेह वाले जगह में सबसे कम वर्षा पूछता भी है कहाँ पे होता है, लेह में होता है।
हुआ याद, बताइए कार्यक्रम को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? कृष्णागिरी, ठीक है। कार्यक्रम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कुसुम, मैडम बताओ, गीत गिजा रहे हो आज, खुश दिखाई दे रहे हो बहुत। के टू गॉड विनर्स, राघव कोशी किसकी ऊंची श्रेणी है मैडम? भाभी लद्दाख की, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में क्या है मैडम? पटेल मैडम भाई, कारोकरम लद्दाख देन जास्कर, ठीक है। ग्लेशियर बताइए सर कौन कौन से हैं कारोक्रम में? चार ग्लेशियर्स यहाँ कारोक्रम में है, ठीक है ठीक है। इस पर बालटोरा, ठीक है। तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है मुखे सर? तीव्र ढाल वाली चोटी, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राघव कोशी किस में है? लद्दाख में, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद कौन कौन से हिमालय आते हैं उत्तर से जाता? हाँ नहीं, वो तो हो गया ट्रांस हिमालय कलेजा हो गया, नीचे वृहद हिमालय देन शिवालिक, ठीक है। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं कार्यक्रम श्रेणी को? कैलाश श्रेणी, ठीक। आगे अब हेडिंग डालो वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, जास्कर के बस उतना ही है लिखे तो मैडम जास्कर, ये आप किस में लद्दाख में लिख रहे थे क्या इतने देर से? अब जितना ये इसमें कोर एरियाज और पूछे ही जाते हैं, याद करा रहा हूँ आपको, याद कराते चल रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे कुछ समझाने वाला चीज़ होगा समझाऊँगा और जहाँ पे याद कराने वाला चीज़ होगा याद कराऊँगा। इसमें वृहद हिमालय में कई ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है, ऊंची-ऊंची चोटी है। उन चोटी वो कौन से राज्य में पड़ता है वो पूछता है, या कौन से देश में पड़ता है वो पूछता है, कितनी ऊँचाई है वो भी पूछ देता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा वो पूछता है, और क्रमानुसार जमाइए पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक भारत का मैप बना रहा हूँ, ये नेपाल, ये सिक्किम हो गया, लेकिन ये तो नेपाल है ना। अब हिमालय श्रेणी जब ये जाएगी वृहद हिमालय तो नेपाल से भी होके गुजरेगी, ठीक है। और यहाँ आगे क्या है, ये आपका ऐसा घूम फिर के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पड़ते हैं, पूर्वोत्तर राज्य, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश भी पड़ेगा क्या? ये अरुणाचल प्रदेश उस दिन मैप पूरा बताना सिखाया था, ठीक है। जो ज्योग्राफी का पहला क्लास अटेंड कर रहे होंगे वो मैप वाले पहला लेक्चर देख लीजिएगा, पूरा राज्य बनाना बताया था उसमें। तो ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो ये अरुणाचल प्रदेश में कुछ हमको क्या मिलेंगे, श्रेणी मिलेंगे उसको याद रखना है। फिर सिक्किम, देन नेपाल, देन यहाँ पे ये उत्तराखंड पड़ता है क्या? उत्तराखंड, फिर ये ऊपर जम्मू कश्मीर जाता है, ठीक है। अभी लद्दाख हो गया जम्मू कश्मीर, और कई सारे देखो अभी किसी किताबों में या इवन गूगल में भी सर्च करने जाओगे ना तो अपडेटेड नहीं है। जम्मू कश्मीर पहले कुछ अलग था, अभी कुछ दो भाग में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर अलग, ऊपर का लद्दाख। तो कौन सा चीज़ लद्दाख में है, कौन सा चीज़ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है, वो चीज़ इवन गूगल में ढूंढो तो नहीं मिलता, ठीक है। तो अभी जहाँ जहाँ पे जम्मू कश्मीर लिखा है, जब अपडेट हो जाएगा या सर्च कर करके बता दूंगा, जहाँ जहाँ पे जम्मू कश्मीर आएगा तो उसमें प्रॉपर हम लोग लिख देंगे कि ये लद्दाख है या कश्मीर है, ठीक। तो अभी ये चीज़ ध्यान में रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पढ़ना, मैं याद कराते चल रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से ये मैप ना बना के फिलहाल सुनते जाना, लिखने कम बाद में। ये ठीक है, इसको और प्लेन भी बना लोगे तो भी चलेगा। सबसे पहले इधर पूर्वोत्तर राज्य में ऊपर मैंने क्या बताया था, कौन सा स्टेट पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणा एक नाम है क्या? अरुणा नाम से नामचा बरुआ, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। तो ये एपी, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? नामचा बरुआ। क्रम याद रखते जाना ना, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, सॉरी, हाँ ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एपी, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है मैडम इधर, अरुणाचल प्रदेश में क्या? नामचा बरुआ, अरुणा एक नाम है तो नाम से नामचा बरुआ, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर पड़ता है सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा, याद कराया था एक्स्ट्रा क्लास में, यहाँ पब्लिकली नहीं बताऊँ कैसे बता रहा हूँ, याद रख लेना। सिक्किम में क्या?
कंचनजंगा हो तो अरुणाचल प्रदेश में क्या नामचौरा, बोलते चलना है ना, बोलते चलना, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, याद आपको करना, मेरे को तो रडर उड़ा है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में नामचौरा हुआ, कंचनजंगा किस में, सिक्किम में, ठीक है। उसके बाद नेपाल चालू हुआ था कि मैप में जब बताया था, तो सिक्किम के जस्ट बाद नेपाल पड़ता है। तो मकालू मसालू मिलता जुलता शब्द है, मकालू और मसालू के बीच में पड़ता है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो सुने हो ना, तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल में पड़ता है, जो माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी पड़ते हैं हिमालय श्रेणी की। तो क्या पढ़ोगे, ये नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में हो गया, सिक्किम में कंचनजंगा हो गया, फिर नेपाल में मकालू एवरेस्ट मसालू, मकालू मसालू मिलता जुलता शब्द है, लेकिन उसके बीच में कौन सा है, एवरेस्ट है। तो मकालू एवरेस्ट मसालू, पहले का है फिर सा है, कालू है फिर सालू है, कालू है फिर सालू है, ठीक है। तो मकालू एवरेस्ट मसालू, फिर से बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में क्या, सिक्किम में क्या, नेपाल में क्या, मकालू एवरेस्ट मसालू, ठीक है। आलू वालों में एवरेस्ट का मसाला डालते हो ना। फिर है धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में ही है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, याद रहेगा। तो नेपाल में पांच इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, मकालू एवरेस्ट मसालू धौलागिरी और अन्नपूर्णा, याद रहेगा, ठीक है। तो असम में क्या था, सिक्किम में एवरेस्ट मसालू धौलागिरी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कांटा वगैरह भी याद है क्या, धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी अन्नपूर्णा याद रखना, धौलागिरी अन्नपूर्णा, ये नेपाल का ख़त्म। अब उत्तराखंड में कई सारी चीज़ें मैंने, जैसे वहाँ टिहरी बांध भी बताया, बाढ़ आ गया था टायर, तो उसको मैं बाढ़ से याद आता, जब भी 2013 या 2000 कब आया था, 2013 में आया था ना बाढ़, जब भी आया हुआ, ठीक है, तो वो बाढ़ से याद आता है, कितना भयानक भीषण बाढ़, कितने लोग मर गए। तो उत्तराखंड से रिलेटेड जितने सारी चीज़ें हैं मैं उसी बाढ़ से रिलेट करके याद कर ली हूँ। तो पहला चीज़ उत्तराखंड में क्या, छत्तीसगढ़ी में कुछ ख़त्म हो जाना, विलुप्त हो जाना, उसको बोलते हैं नंदा जाना, छत्तीसगढ़ी नंदा जाना, वो गाना भी है ना, नंदा जही कारे नंदा जही का, सुने हो, हाँ, नंदा जाना सिरा जाना, अरे सिरा जाना हो तो ऐसे कुछ चीज़ ख़त्म हो गया हो, नंदा जाना मतलब विलुप्त हो जाना, पूरा समाप्त हो जाना। तो नंदा जाने से नंदा देवी याद रख सकते हैं, और कहाँ नंदा आ गया, उत्तराखंड में बाढ़ आ गया, तो ये उत्तराखंड से रिलेट करा रहा हूँ, उत्तराखंड में बाढ़ आ गया तो इमेजिन करना, बहुत भयानक बाढ़ था 2003, लाशें तैर रही थी ऐसे पानी में, तो उसका कुछ सीन भी दिखा रहा था, कोई वीडियो बनाया था उस टाइम, वो सब उससे चैन वगैरह, वो मर गया, डेड बॉडी फ्लो हो रहा है, तो उससे चैन निकाल रहे हैं, सोने का सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद खुद भी बह रहे उसको निकालने के चक्कर में, लालच में, फिर थोड़ी देर बाद वो भी ख़त्म हो। तो उत्तराखंड से रिलेट करके बता रहा हूँ, बाढ़ आया, सब के सब क्या हो गए, नंदा गए, नंदा गए मतलब सबका काम हो गया, काम तमाम हो गया, तो नंदा से नंदा देवी, नंदा देवी, काम हो गया से कामेट, याद रहेगा, नंदा गए नंदा देवी, सबका काम हो गया कामेट। अब सिर्फ इंसानों का काम हुआ होगा कि बंदरों का भी मतलब जानवरों का भी काम हुआ होगा, सबका हुआ होगा ना, पर्वत पहाड़ पेड़ में सब बंदर लटके रहते, मंदिरों में वो बंदर आगे पीछे घूमते रहते हैं, ठीक है, पॉपकॉर्न खाने के लिए। तो सिर्फ इंसानों का काम हुआ कि बंदर का भी, बंदर का भी, तो बंदर से बंदर पूछ याद रख सकते हो क्या, बंदर पूछ, बंदर पूछ, बंदर पूछ, ठीक है, बंदर का पूछ वाला बंदर पूछ, ठीक। तो उत्तराखंड में क्या, नंदा देवी, नंदा देवी, काम हो गया कामेट, इंसान का कि जानवर का भी, जानवर, जानवर में कौन, बंदर, तो बंदर पूछ, मंदिर में देखना ना सब बैठ रहते हैं, ठीक है, बंदर पूछ, बंदर से बंदर पूछ, बंदर से बद्रीनाथ याद कर सकते हो, बंदर से बंदर पूछ, बंदर से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ किस किस भगवान को बोलते हो, शंकर, शंकर से रिलेटेड है मेरे ख्याल से, अब नहीं भी होंगे तो शंकर, शंकर भगवान ही रिलेट कर लेना। अब शंकर भगवान क्या पकड़े रहते हैं, त्रिशूल है ना, डमरू नहीं, त्रिशूल याद रखना, ठीक है। तो नंदा देवी, कामेट, बंदर पूछ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये सब के सब क्या, उत्तराखंड में, याद रहेगा। कैसे बताया, उत्तराखंड में बाढ़ आया, सब के सब नंदा गए, नंदा देवी, नंदा गए मतलब काम हो गया कामेट, सिर्फ जानवर का काम हुआ, इंसानों का काम हुआ, जानवर का भी, तो बंदर पूछ, बंदर से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ त्रिशूल, ये किस तरफ से जा रहे हैं, पूर्व से लेके पश्चिम की जा रहे हैं। अब ये जब याद रहेगा तो पश्चिम से पूर्व पूछे वो भी बता पाओगे यार, है ना,
लाइन से, इवन मैं स्टेट भी बताते चल रहा हूँ तो कौन से स्टेट में है ये पूछतेगा तो याद रहेगा। उसके बाद लास्ट नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड नंगा पर्वत भाई, नंगा पर्वत ठीक है, जम्मू कश्मीर में, क्लियर, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। तो एपी में क्या बताया बताओ, अब जिसको पूछूंगा वो बताना ठीक है। सिक्किम में पूजा मैडम बताइए, सिक्किम में क्या था, कंचनजंगा ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा ठीक है। सिक्किम के बाद जस्ट नेपाल पड़ता है, ये वाला सिक्किम में, फिर नेपाल पड़ता है ठीक है। तो नेपाल में पांच मैंने बताया, मकालू, देन रजनी मैडम क्या था बताइए, मकालू के बाद एवरेस्ट, उसके बाद, उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा ठीक है। तो मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, देन उसके बाद जस्ट उत्तराखंड चालू होता है। ये वाला देखना अगर मैप बताया ध्यान में होगा तो, ये मैप के बाद ये वाला, ये तो नेपाल पड़ गया, उत्तराखंड पड़ता ना। तो उत्तराखंड में क्या बताया था पहला, नंदा देवी के बाद सीमा मैडम काम, बेटा इंतजार करती हूँ, आजू बाजू वाले बोले उसके बाद बोलो, है कामेट, कामेट के बाद क्या है, बंदर पूछ, सिर्फ इंसानों का काम हो गया नहीं, बंदर का, बंदर पूछ के बाद क्या है, बंदर, बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के बाद त्रिशूल ठीक है। तो ये सब उत्तराखंड में, और लास्ट जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत ठीक, क्लियर लिख लो, जा रहे हो ठीक है, ठीक बस यहीं तक था वैसे क्लास, ऐसे ये चोटी बना ले लकीर, या स्ट्रेट बना लोगे तो भी चलेगा, लाइन से तो लिखना है। बृहदी माले के अंतर्गत ये चोटी बना लेना पहले, एक लकीर खींच लेना ऐसे लाइन से, है ना, और लिखते जाना, स्ट्रेट नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लाइन से बस पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व याद कराने के लिए आपको इस तरह बता दिया। ऐसे ये पर्वत का निशान बना लेना, ये है नामचा बरवा, ब्रैकेट में लिख लेना एपी, ये है कंचनजंगा, कंचनजंगा झ है, कंचनजंगा या जंगा भी मिल जाता कहीं कहीं, कंचनजंगा सिक्किम में, देन ये पांच नेपाल का, लाइन से लिखना मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। धौलागिरी, धौलागिरी है, एक साथ है धौलागिरी, गिरी किसका पर्वत पर्यायवाची मानो, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा आटा चक्की यहाँ पड़ता है, मकालू, एवरेस्ट, मसालू है मैडम, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, पहला था नंदा देवी, नंदा देवी हाँ, देन कामेट, कामेट, नंदा देवी कामेट, बंदर पूछ, बंदर पूछ, ये सब चोटी है ना, चोटी पढ़ रहे हो, पीक्स, चोटी को पीक बोलते हैं इंग्लिश में, बंदर पूछ के बाद बद्रीनाथ, बस है बंदर, फिर बस है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ क्या पकड़ के बैठ रहे थे, त्रिशूल, तो बद्रीनाथ के बाद त्रिशूल है, देन जो नंगा पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में आएगा।
तो देखो जो ज्योग्राफी की क्लास डेढ़ डेढ़ घंटा चार दिन चलती थी, 4 × 1.5 6 घंटा, वो अभी भी 6 घंटा ही चलेगी, 6 दिन 1 घंटा 6 घंटा उतना ही चलेगा। और जो मैथ्स की क्लास डेढ़ डेढ़ घंटा 2 दिन चलती थी मतलब 3 घंटा, वो जस्ट डबल हो जाएगा 6 घंटा है ना। मैथ्स में क्या है, बीच में 4 दिन का ब्रेक आना फ्लोप टूट जाता है, ठीक है। तो डेली पढ़ोगे, भले थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 1-1 घंटा वो काफ़ी रहेगा, ठीक है, फ्लो में बने रहोगे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए बता दिया भाई, प्रेम पूर्वक मेरे पास व्हाट्सएप पहुँच जाना चाहिए, सॉल्यूशन वही सारे, ठीक है। एक बार और, ऐसा नहीं कि जो अभी लिखे उसी को लिख दिए, लाइन से फॉर्मूला बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन 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 सॉल्व करके भेजना, ठीक है। और ज्योग्राफी का याद करके आना, कल पूछूंगा, उसके बाद नया स्टार्ट करेंगे, नहीं याद होगा तो उसी को बताते रहूँगा, लॉस आपका है, ठीक है।